जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ाए थे आप लोग को कि 1791 ईस्वी में फ्रांस 1791 ईस्वी तक फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसका मतलब हो गया कि फ्रांस राजतंत्र तो था, साथ में उसका संविधान का ड्राफ्ट तैयार होने के बावजूद वहाँ पे संविधान लागू भी हो गया था, इसलिए वहाँ पे 1791 ईस्वी तक हम लोग कह सकते हैं फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र देश बन गया था। अब आगे देखते हैं, फ्रांस एबोलिसेज, यहाँ पे ई एस होगा, मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। फ्रांस जो है राजतंत्र को ख़त्म करता है और एक गणतांत्रिक देश बनता है। कैसे बनता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, तो ध्यान दीजिए। आगे चलकर फ्रांस में क्रांतिकारियों, इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं रिवोल्यूशनरीज, को बहुत सारे क्लब बने, जिसमें से एक जैकोबियन क्लब था। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है लिखने में। तो जब 1791 ईस्वी के बाद जब फ्रांस उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस में जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें से कुछ जो है मिलकर एक क्लब बनाए। क्लब मतलब एक ग्रुप समझ लीजिए, क्लब बनाए, जिनमें से एक क्लब का नाम था जेकोबियन क्लब। याद रखिएगा, जिसमें से एक क्लब का क्या नाम था, जेकोबियन क्लब। जेकोबियन क्लब में गरीब तबके के बहुत लोग थे, जैसे शॉपकीपर्स, दुकानदार थे जेकोबियन क्लब में, आर्टिसन, कारीगर, और कौन कौन लोग आर्टिसन कारीगर में कौन कौन लोग आते हैं, शू मेकर्स जूता बनाने वाले लोग, कुक भोजन पकाने वाले, वॉच मेकर्स प्रहरी, एंड प्रिंटर्स एट्सेट्रा। ये सारे लोग जेकोबियन क्लब में थे और ये सारे लोग साथ में क्रांतिकारी भी थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने में जो है फ्रांस में योगदान दिया था। वे सारे लोग थे जेकोबियन क्लब के लोग थे, बहुत सारे क्लब थे, उसमें से एक था जेकोबियन क्लब। चलिए आगे देखते हैं। इंसरेकेशन, इंसरेकेशन मतलब होता है राजद्रोह। आगे देखते हैं कॉन्वेंट, कॉन्वेंट मतलब होता है हिंदी इसका मठ। मठ किसको कहते हैं, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ। मठ उसको बोलते हैं जिसमें एक बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जिनका जीवन जो है धार्मिक चीज़ों के लिए समर्पित रहता है, उसको मठ कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जेकोबियन क्लब वेशभूषा के आधार पर दो भागों में बट गया था, उसमें से एक भाग शॉर्ट सप्लाई एवं हाई प्राइसेज ऑफ फूड के चलते राजा से नाराज थे। जेकोबियन क्लब कितने भाग में बटा हुआ था, जेकोबियन क्लब, जेकोबियन क्लब जो है दो भाग में बट गया था, उसमें से एक भाग शॉर्ट सप्लाईज मतलब अनाज का जो है शॉर्ट सप्लाईज था। बताए थे उस टाइम में क्यों शॉर्ट सप्लाई होता था, तो एक रीजन था कि पॉल्यूशन बढ़ गया, पॉपुलेशन, सॉरी पॉल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन बढ़ गया था फ्रांस का। दूसरा रीजन था कि ड्रॉट एंड हेल, सुखार और ओलावृष्टि के चलते वैसे भी फसल कम उपजता था, तो ये सब रीजन था। डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई कम था, तो शॉर्ट सप्लाई था उस टाइम में, एवं हाई प्राइस ऑफ फूड के चलते राजा से नाराज थे। जेकोबियन क्लब में वेशभूषा के आधार पर दो क्लब थे, दो भाग बट गया था उसमें, इसमें से एक भाग राजा से नाराज थे। क्यों, क्योंकि हाई प्राइस ऑफ फूड, भोजन का ज़्यादा दाम बढ़ गया था और शॉर्ट सप्लाई था, जिसके चलते राजा के गार्ड्स को मारकर राजा को बंदी बना लिया। इसी सब चलते जो है जेकोबियन क्लब के कुछ लोगों ने राजा को गार्ड को मार डाला और राजा को बंदी बना लिया। बाद में नेशनल असेंबली ने भी इसको इसका सपोर्ट किया, नेशनल असेंबली ने बोला ठीक है, जो हुआ सही है, इस टाइप के राजा को, इनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। एक सेकेंड, मिट नहीं रहा है ये, फिर चलिए।
अब फिर से फ्रांस में इलेक्शन हुआ जिसमें से 21 वर्ष के ऊपर सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। जब राजा को बंदी बना लिया गया तो 21 वर्ष से जो ऊपर लोग थे उनको वोट देने का अधिकार मिला। एंड द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, अब नया नेशनल असेंबली बना जिसका नाम पड़ा कन्वेंशन। इस प्रकार 21 सितंबर 1792 तक राजतंत्र समाप्त हुआ एवं फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, फ्रांस अब एक संवैधानिक गणतांत्रिक देश बन गया क्योंकि राजतंत्र वहाँ पे 21 सितंबर 1792 ईस्वी तक खत्म हो गया। ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है इसका। नाउ देयर इज नो हेरेडिटरी मोनार्की, अब वहाँ पे कोई ऐसा राजतंत्र नहीं था जिसमें वंशानुगत वहाँ का राजा बने, जैसे राजा का बेटा रही राजा बनेगा, उस टाइप का सिस्टम जो है ख़त्म हो गया था। अब वोट से राजा बनता था फ्रांस का बनने का सिस्टम हो गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। अब वहाँ पे जो भी राजा बनेगा वोट के आधार पर बनेगा। अभी वोट देने का अधिकार 21 वर्ष के ऊपर जितने भी पुरुष थे सबको वोट देने का अधिकार मिल गया। लुईस 16 को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया गया और 21 जनवरी 1793 को लोगों के सामने डी ला कॉनकॉर्ड नामक जगह पर फांसी पर लटका दिया गया। डीला कॉनकॉर्ड नामक जगह फ्रांस में ही एक जगह है जहाँ पे फ्रांस का शासक लुई 16 को फांसी पे लटका दिया गया। द रेन ऑफ टेरर, अब जब ऐसा हुआ कि क्रांतिकारियों ने एक तरह से आतंक मचा दिया था उस टाइम में फ्रांस में, इसलिए राजा को जो है वहाँ पे बंदी बना लिया गया और उसको बाद में नेशनल असेंबली के सहायता से, मतलब नेशनल असेंबली का बाद में नाम पड़ गया कन्वेंशन, उनके सहायता से जो है उनको फांसी दे दिया गया। तो एक हिसाब से देखा जाए कि उस टाइम में फ्रांस में राजाओं के बीच में और बहुत सारे धनी लोगों के बीच में जो है डर का माहौल व्याप्त हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया द रेन ऑफ आतंक का साम्राज्य कब तक रहा, तो 1793 से 1794 तक रहा। मतलब 1791 में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, मतलब संवैधानिक राजतांत्रिक देश था, वहाँ पे राजा का शासन था लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग राजा चलता था। फिर 1792 तक में वो फ्रांस जो है वहाँ पे मोनार्की वाला सिस्टम ख़त्म हो गया और 21 वर्ष से ऊपर जितने भी पुरुष हैं उनको वोट देने का अधिकार मिल गया और इस टाइप से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, मतलब संवैधानिक गणतांत्रिक देश बन गया। अब इन सब प्रोसेस में जो है बहुत ही वहाँ पे खून हुआ, क्रांति हुआ, बहुत सारे लोगों का जान गया। इस चलते वहाँ पे लोगों के बीच में, खास करके राजाओं के बीच में, अमीर लोगों के बीच में डर का माहौल व्याप्त हो गया, इसलिए 1793 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक को द रेन ऑफ टेरर कहा गया, आतंक का साम्राज्य कहा गया। अब इसमें देखते हैं रॉबेस्पियरे जैकोबियन क्लब का एक लीडर, रॉबेस्पियरे कौन था, जैकोबियन क्लब का एक लीडर, जो कि हम बता दिए थे क्रांतिकारियों का एक क्लब था जैकोबियन क्लब, उसका एक लीडर था रॉबेस्पियरे, या कन्वेंशन असेंबली का एक मेंबर। हाँ, तो रॉबेस्पियरे जो है नेशनल असेंबली जो था जिसका नाम था कन्वेंशन, जिसमें खास करके मठ के लोग ज़्यादा थे, उनमें ये रॉबेस्पियरे भी उसका एक मेंबर था। आगे देखते हैं, ऐसी नीति बनाई जिसमें जो रिपब्लिक ने एनिमी चाहे नॉवेल्स हो, यहाँ पे मिस है, जो रिपब्लिक का एनिमीज चाहे नॉवेल्स, यहाँ पे के होगा रिपब्लिक्स के नॉवेल्स चाहे एनिमीज हो, वहाँ पे जो भी एनिमीज थे रिपब्लिक के, मतलब जो ऐसे लोग जो चाहते थे कि गणतांत्रिक देश नहीं हो, संविधान वाला देश नहीं हो, तो एक ऐसा नीति बनाया गया रॉबेस्पियरे के द्वारा, इनका जो भी शत्रु हो चाहे वो नॉवेल्स हो या क्लर्जी हो या अदर पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो के मेंबर या अपने ही पार्टी का कोई मेंबर है, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। अगर वे ट्रिब्यूनल द्वारा गिल्टी पाए जाते थे तो उसे गिलिटन के रूप में सजा मिलता था। एक तरह से इसमें बताया गया है कि रेन ऑफ टेरर में उस टाइम में क्या होता था, तो रॉबेस्पियर नामक व्यक्ति जो कन्वेंशन असेंबली का एक मेंबर था वो क्या करता था, तो वैसे सारे लोग जो कि रिपब्लिक कंट्री के खिलाफ थे, चाहे वो क्लर्जी थे या नोबिलिटी के लोग थे या खुद उनके ही पार्टी के लोग थे, तो उनको गिलिटोन के तहत जो है सजा दिया जाता है। गिलिटोन मतलब होता है कि एक तरह से इसमें भी आदमी को जान से मार डाला जाता था। ये क्या है आगे देखते हैं।
तो ये यहाँ तक का कहानी हुआ कि 1793 तक 1794 ईस्वी तक माहौल रहा टेरर का फ्रांस में। अब उसके बाद आता है ए डायरेक्टरी रूल फ्रांस। अब यहाँ पे एक डायरेक्टर डायरेक्ट रूल मतलब यहाँ पे अब ऐसा शासन जो है एक हिसाब से स्टार्ट हुआ फ्रांस में, जो कि जिसमें फ्रांस में एक डायरेक्ट राजा होगा जो कि पूरे फ्रांस को अपने नियंत्रण में लेके संविधान के अकॉर्डिंग शासन करेगा। तो जेकोबियन गवर्नमेंट के पतन होने पर, जब जेकोबियन गवर्नमेंट खत्म हो गया फ्रांस में, मिडिल क्लास को पावर में आने की हिम्मत मिली, मिडिल क्लास के जो भी लोग थे उनको पावर में आने की हिम्मत मिली। अब एक नया संविधान लागू किया गया, इसमें दो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। पहले तो अभी तक 1794 ईस्वी तक हम लोग देखे कि एक ही लेजिस्लेटिव काउंसिल था जिसका नाम था पहले नेशनल असेंबली, बाद में उसका नाम कन्वेंशन पड़ा। लेकिन बाद में दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में 5 मेंबर्स का एक डायरेक्टरी था, मतलब दो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, एक तो विधान परिषद बोल सकते हैं। तो एक विधान परिषद में क्या था, 5 लोगों का एक डायरेक्टरी था, 5 लोग जो है वहाँ पे उच्च पद के जो उनमें थे मेंबर, 5 लोग थे और वो सभी डिसीजन वो लेते थे। अब दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक दूसरे के साथ किसी न किसी इशू पर क्लेश होते रहता था। अब तो चूंकि दो लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहले एक था तो कोई दिक्कत नहीं था, अब दो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। डायरेक्टरी रूल जो फ्रांस में अब लागू हुआ है उसके तहत फ्रांस में दो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो दोनों में सिंपल बात है कि दोनों का विचार अलग होगा ही, इसके तहत क्लैश होना लाजमी है, जिससे मिलिट्री डिक्टेटर सैन्य तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। जब देखा कि फ्रांस का शासन संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, मतलब संविधान का अकॉर्डिंग तो है लेकिन उस टाइम में दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया, तो दोनों में मतभेद था कि किस टाइप से फ्रांस का शासन चलाया जाए। इसलिए एक तीसरा शासक का उदय हुआ जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट पड़ा। सैन्य तानाशाह मतलब वहाँ का फिर सैन्य शक्ति जो है उन्होंने तख्ता पलट दिया एक हिसाब से आप कह सकते हैं, और शासन को अपने अंडर ले लिया। उसमें सैन्य मिलिट्री डिक्टेटर उनमें कौन किसका मुख्य भूमिका था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। ये टाइम ये समय है 1804 और 1814 के बीच के, मतलब फ्रांस पे 1804 और 1814 के बीच में किसका शासन रहा, तो नेपोलियन बोनापार्ट का, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी बन जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बन चुका था, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके टाइम में भी था। नेपोलियन बोनापार्ट पड़ोसी देशों को जीत कर पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को लाना चाहा। नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था कि जितने भी यूरोपियन कंट्री है सब में संविधान लागू होना चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग शासन होना चाहिए और राजतंत्र को ख़त्म किया जाए, वहाँ पे लोगों को अधिकार मिले जिससे वो वोट देकर शासक को चुने। नेपोलियन बोनापार्ट का ये कहना था। तो वो पूरा देश पूरे यूरोप में जिसमें इटली जर्मनी और भी ऑस्ट्रिया जितने भी देश आते थे हंगरी, सब देशों में नेपोलियन बोनापार्ट राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना चाहते थे। बहुत लोगों ने नेपोलियन को लिबरेटर के रूप में देखा। लिबरेटर मतलब जो जिनको आज़ादी पसंद है, जो एक मॉडर्न थिंकिंग को बढ़ावा दे, जो मॉडर्न चेंजेस को एक्सेप्ट करे, उनको लिबरेटर बोला जा सकता है। एक तरह से वो समाज में कुरीतियों को ख़त्म करना चाहता है, लिबरेटर लिबरेटर का काम होता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट को बहुत लोग लिबरेटर के रूप में देखते थे, और कुछ लोगों का कहना था कि मिलिट्री डिक्टेटर है, तानाशाह है, सैन्य तानाशाह है। तो सैन्य तानाशाह तो था, क्यों क्यों सैन्य तानाशाह को फ्रांस के शासन में हस्तक्षेप करना पड़ा, इसका एक रीजन ये था कि वहाँ पे दो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, दोनों के बीच में मतभेद था, तो एक रीजन ये था। फिर भी नेपोलियन बोनापार्ट सैन्य तानाशाह होने के बावजूद वो संविधान के अकॉर्डिंग शासन करना चाहता था और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना चाहता था, सिर्फ फ्रांस टू में नहीं पूरे यूरोप में। बट बहुत लोगों ने नेपोलियन को लिबरेटर के रूप में देखा, यहाँ तक पढ़ लिया। बट जैसे ही नेपोलियन के आर्मीज को सभी जगह आक्रमण करते देखा गया, लेकिन 1800 हाँ, तो नेपोलियन चाहता था कि पूरा यूरोप में
राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो, इसलिए नेपोलियन ने क्या किया कि यूरोप के सभी हिस्सा में या किसी दूसरे देश से वो युद्ध लड़ता था वहाँ पे, उस जगह को अपने कब्जा में लेने के लिए, और लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कर लोगों में एक तरह से संवैधानिक नियम कायदा जो है वहाँ पे स्थापित हो, ऐसा वे चाहते थे नेपोलियन बोनापार्ट। इसलिए वो बहुत सारे यूरोप में, बहुत सारे कंट्री में, देशों में उन्होंने आक्रमण किया। ये सब को इन सब चीज़ों को देखकर 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोपियन कंट्री के द्वारा पराजित किया गया। जब ऐसा होने लगा कि सब यूरोपियन कंट्री द्वारा देखा गया कि नेपोलियन बोनापार्ट सभी जगह राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना चाहते हैं, तो सब लोगों ने मिलकर जो है 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर दिया। वैसे भी कोई भी देश क्यों चाहेगा, जहाँ पे राजा का शासन हो बिना संविधान के, तो वो तो यही चाहेगा कि जैसे शासन चल रहा है चलते रहे। तो इसलिए वे सब नेपोलियन के खिलाफ थे, उन्होंने आक्रमण किया और 1815 ईस्वी में वाटरलू नामक जगह पे जो है इनको पराजित किया गया, नेपोलियन बोनापार्ट को। टीपू सुल्तान और राममोहन राय के फ्रांस के नेशनलिज्म से काफ़ी प्रभावित। देखिए यहाँ पे बहुत मिस्टेक है आज के क्लास में, ये टाइपिस्ट के द्वारा किया गया है। तो टीपू सुल्तान और राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे अगर इतिहास पढ़े होंगे पहले तो ये लोग जो है फ्रांस के नेशनलिज्म से काफ़ी प्रभावित है। फ्रांस में जिस टाइप से राष्ट्रवाद की भावना जागृत किया गया, तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय उस तरीका से काफ़ी प्रभावित थे। वे चाहते थे कि अपने देश में भी राष्ट्रवाद, अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना तो बाद में जाके जागृत हुआ, लगभग हम लोग बोल सकते हैं 20वीं शताब्दी के अर्ली टाइम में, या 19वीं शताब्दी के मिडिल टाइम में भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत होना शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले ही फ्रांस में जो है एक तरह से समझिए कि संवैधानिक गणतांत्रिक देश बन चुका था फ्रांस, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री भी इनके प्रकोप में आ रहे थे, नेशनलिज्म के प्रकोप में। आज तक के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, आगे कल बताएंगे। जय हिंद।